26/11 आज ही का वो दिन था जब हमारे हर हिंदुस्तानी के दिल में शोक की घंटी बजती है। 26/11 आज ही का वो दिन था 12 साल पहले जब पाकिस्तान के लश्करे तैयबा नाम की आतंकवादी 10 लोगों ने मिलकर हमारे देश के तकरीबन 170 मासूम और निहत्ते लोगों की हत्या की थी, करीबन 300 से ज्यादा लोगों को घायल किया था। 26/11 आज ही का वो दिन है जब पूरी दुनिया ये समझती है कि आतंकवाद जैसा शब्द दुनिया की नजरों से पूरी तरीके से गायब हो जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। बहुत जोर के धमाके हुए थे। जिन्होंने उन आतंकवादियों को देखा था उन्होंने बताया कि वो बहुत भारी बैग्स उठाए हुए थे और उनके हाथों में बंदूकें थी और अंदाजा लगाया जा रहा था कि उनके पास कितना गोला बारूद होगा। पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए मुंबई हमेशा एक ऐसी नगरी रही है जहां पर वो अपनी आतंकवाद को आगे बढ़ाकर मुंबई को अपना हॉटस्पॉट बना ले। 13 बार आतंकवाद का शिकार हो चुके मुंबई में लगभग हजारों मासूम और निहत्ते हिंदुस्तानियों की हत्या हो चुकी थी कि तभी 26 नवंबर रात को 9:30 बजे 10 लश्करे तैयबा आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे उन्होंने द ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कामा हॉस्पिटल और एक कैफे को अपना डाका डाल के 4 दिन तक आतंकवाद फैलाया था, जिसका अंत हुआ था 29 नवंबर सुबह 8 बजे ताजमहल पैलेस होटल में, जिसके अंत में 170 से भी ज्यादा मासूम हिंदुस्तानियों की मौत, 300 से ज्यादा हिंदुस्तानी घायल हो चुके थे और 9 यानी कि 10 में से 9 आतंकवादियों की मौत हो चुकी थी। मैं बात करने वाला हूं वो जो 10वें इंसान अजमल कसाब, उसके साथ अगले कुछ सालों में हुआ क्या था। अजमल कसाब एक ऐसा नाम है जो 10 आतंकवादियों में से इकलौता आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, वो भी रंगे हाथ। सोचने विचारने की बात यह है कि हिंदुस्तान की कोर्ट कचेरी इतनी चौड़ी और लंबी है कि उसे एक रंगे हाथ आतंकवादी जिसने इतना बड़ा आतंकवाद फैलाया है उसे मृत्यु दंड देने में तकरीबन 4 साल लग जाते हैं। पहले कसाब यह मानता है कि उसने आतंकवाद फैलाया है, फिर अपनी बातों से पीछे हट जाता है यह कहकर कि मुंबई पुलिस ने उस पर जोर जबरदस्ती की है। आखिर में यह फैसला हो ही जाता है कि कसाब ही थे जिसने 26/11 मुंबई अटैक्स में आतंकवाद फैलाया था। उसके बावजूद 4 साल लग जाते हैं कसाब को मृत्यु दंड देने में। ऑपरेशन एक्स के नाम पे 21 नवंबर 2012 को पुणे के येरवाड़ा जेल में कसाब को मृत्यु दंड दिया गया। 26/11 मुंबई अटैक हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि आतंकवाद एक ऐसी चीज है जो दुनिया में से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जानी चाहिए, क्योंकि निहत्ते मासूम लोगों को मारने से कोई भी और किसी भी देश का उद्धार कभी नहीं होता। संवाद मीडिया हाउस, इंडियन आर्मी, मुंबई पुलिस और जितने भी लोगों ने अपनी जान को दांव लगाकर अपनी जान हमारे देश के लिए समर्पित की है, अपनी जान गवाई है, उन्हें श्रद्धांजलि और याद करती है। आप संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।